डेल्टा पीजी एक शानदार क्लच इस टाइम पे निकाल सकते थे, वो यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया। लेकिन ब्लाइंड क्या ही थर्ड पार्टी शॉट्स इस टाइम पे लिए, क्या ही नेट यहाँ पे गया। एनजीएक्स के लास्ट प्लेयर जो बचे थे, रिवाइव कर रहे थे, उनके ऊपर एक शानदार नेट गया है। यहाँ पे उनकी पूरी टीम को खत्म किया गया। टीम ब्लाइंड एक शानदार वाइप आउट करके फिनिशिंग भी अपने नाम करेंगे एंड बिना अपना प्लेयर गवाए आगे बढ़ते हुए हमको यहाँ पे नजर जरूर आ जाएंगे। अभी के लिए ओजी के भी चारों प्लेयर यहाँ पे चिंताम को देखने को मिल रहे हैं। टीम सोल सामने प्लेयर इनके भी कह सकते हैं चारों आते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मुश्किल इस टाइम पे आते हुए टीम हाइड्रा को। टीएक्स के एक प्लेयर जो उनके बाहर थे वहां पे उनके ऊपर शॉट लेने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन हाइड्रा के प्लेयर को रिटेलिएशन फायर में यहाँ पे नॉकआउट जरूर कर दिया गया। दिक्कत इस टाइम पे उनके लिए आते हुए, लेकिन टीएक्स के प्लेयर जोन के बाहर ज्यादा टाइम यहाँ पे अपना सांस नहीं दे पाएंगे एंड जोन के बाहर इनका गेम खत्म होते हमको नजर आ जाएगा। हाइड्रा के प्लेयर्स चार फिनिश अपने नाम कर चुके हैं एंड चारों के चारों प्लेयर्स को यहाँ पे कह सकते हैं रिवाइवल होकर जिंदा आगे बढ़ते नजर आएंगे। आठ टीम्स अभी के लिए हमारे बीच में जिंदा रहने वाली है, 30 प्लेयर्स यहाँ पे रिमेनिंग रहने वाले हैं। 18 मिनट इस गेम की ऑलरेडी हो चुके हैं।